नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। हिमालयी राज्यों की समस्याओं पर चर्चा के लिए मसूरी में 28 जुलाई को एक सम्मेलन का आयोजन होगा। इसका आयोजन उत्तराखंड में पहली बार किया जा रहा है। इसमें सभी हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा प्रशासक और विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर शामिल है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग से हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण, हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए अपनाए जाने वाली कार्ययोजना, जल संरक्षण उपायों और उसका मसौदा नीति आयोग को सौंपने पर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, सम्मेलन में चर्चाओं से नीति आयोग और वित्त आयोग को हिमालयी राज्यों में वर्तमान स्थिति से अवगत कराने और उन्हें बेहतर वित्तीय संसाधन मुहैया कराने में मदद मिलेगी। आज हिमालयी राज्यों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं और समस्या का समाधान के लिए अब गहनता से अध्ययन किया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक यह मंथन भविष्य में हिमालयी राज्यों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगा। इससे नीति आयोग व वित्त आयोग को हिमालयी राज्यों की वास्तविक स्थिति को जानने में आसानी रहेगी। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारतीय संस्कृति व सभ्यता के मूल स्रोत हिमालय व यहाँ की जीवनदायिनी नदियों पर संकट मंडरा रहा है। हिमालयी इकोलॉजी की रक्षा के साथ कैसे विकास का लाभ यहाँ के लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, कॉन्क्लेव का मुख्य एजेंडा रहेगा। हिमालय के संसाधनों का उपयोग कैसे यहाँ की अर्थव्यवस्था को उन्नत करने में किया जा सकता है, ताकि यहाँ के युवा को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े। हिमालय भारतीय सभ्यता का केंद्र बिंदु तो है ही, इसका सामरिक महत्व भी काफी ज्यादा है। सभी हिमालयी राज्यों की सीमाएं दूसरे देशों से जुड़ी हुई है, इस दृष्टि से भी कॉन्क्लेव में चर्चा की जा सकती है। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य ग्लेशियरों, नदियों, झीलों, तालाबों व वनों को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना भी होगा। एक ओर जहाँ हिमालय की संरक्षण जरूरी है, वहीं यहाँ के दूर दराज के गाँव में आधारभूत सुविधाओं का विकास कर स्थानीय लोगों के लिए आजीविका उपलब्ध करवाना भी आवश्यक है। इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा। कॉन्क्लेव में हिमालयी राज्यों में सतत विकास की कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी। धन्यवाद।